ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि आरोप चाहे सही हो या झूठा, इंसान अपना आपा खो देता है और कुछ ऐसा कर बैठता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती। तस्वीरें गोहाना की हैं, जहां रेप का आरोप लगने के बाद एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। इससे कई दिन पहले आरोपी घर से गायब हो गया था, जिसके बाद उसने दिल्ली जाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। दरअसल मृतक वैन के द्वारा निजी स्कूल में छात्रों को लाने ले जाने का काम करता था। इसी दौरान 28 सितंबर को बच्ची के परिजनों ने महिला थाने में दुष्कर्म का आरोप दर्ज करा दिया। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद बच्ची के परिजनों ने आरोपी के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। इसके बाद भी जब उसकी बात नहीं सुनी गई, तो दिल्ली के मंगोलपुरी जाकर उसने जान दे दी। घर में घुस के मेरे और मेरे पति की पिटाई करके गए और मेरे साथ बदतमीजी भी की, मेरे कपड़े फाड़ कर मेरे गुप्त अंग में मतलब बदतमीजी करने की कोशिश की उन्होंने, और हम मेरे पति को गोली मारने की धमकी दी, और हमने फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, और फिर वो डर के मारे धमकी दिया करते थे, पीट कर मेरे साथ बदतमीजी भी करी है, मेरे साथ बदतमीजी भी करते गए घर पर। समझ गए, हमने ये इंसाफ है और कुछ नहीं था, हमने ऊपर तक रिपोर्ट दे लिया, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, हमारी कोई सुनाई नहीं, मेरा तो घर उजड़ गया, मेरा तो कति ताला लाग गया घर के, हमने इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चंदा हमने, और हमारा बार बार में धमकी दे रहे हैं, गोली मार देंगे, वो कर देंगे। मौत के बाद परिजनों ने दिल्ली से शव लाकर शहर के समता चौक पर जाम लगा दिया, और जब पुलिस प्रशासन उन्हें समझाने के लिए पहुंचा, तो उनसे इंसाफ की मांग की। मृतक के परिजनों का कहना है कि रेप के झूठे आरोपों में उसे फंसाया गया था, जिससे तंग आकर ये कदम उठाया। 3-3.5 साल की एज में जी, वो सिर्फ 10-15 दिन से लॉकडाउन के बाद वो मेरे भाई के साथ आना शुरू किया था, और जी वो उन्होंने मेरे भाई के ऊपर ब्लेम लगा दिया जी, कि भाई आपने हमारी लड़की के साथ कुछ गलत किया है। तो जी वो बात होने के बाद वो 3 दिन बाद मेरे घर पे गए और मेरे भाई को और मेरी भाभी को पीट के आ गए। उसके बाद जी हमारा पंचायती फैसला हो गया, उन्होंने कोई लिखित रूप में हमारे को दिया नहीं, वहाँ जो भी मतलब बैठा था उसको वो बार बार जो भी बोलता हमारी साइड में उसको बंदूक दिखाते, आँखें दिखाते, और जी उन्होंने हमारे साथ बहुत दिक्कत की है, और बार बार वो हमारे को यही धमकी दे रहे हैं कि हम आपको गोली मार देंगे, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, और मोटी रिश्वत दे के उन्होंने हमारे को फंसा रखा है। वहीं जाम की सूचना मिलने के बाद एएसपी निकिता खट्टर सहित शहर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और आधे घंटे बाद आश्वासन देकर जाम खुलवा दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। उनके फैमिली मेंबर्स थे, वो चाहते हैं, उनका कहना है कि इनके खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज हुआ है महिला थाना गोहाना में, वो झूठा मुकदमा है, और वो चाहते हैं कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई हो, और हमने इनसे बात करी है घर वालों से, और हमने उनसे बात करने के बाद उन्हें आश्वासन दिया है कि हमने उनकी दरखास्त भी ले ली है, और हम इसमें जो भी कार्रवाई बनती है हम करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, और जो इनकी पहला मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी भी हम पूरे फैक्ट्स की इंक्वायरी करेंगे कि और सच्चाई तक पहुंचेंगे। क्या मामला था मैडम, थोड़ा सा ये बच्चे के साथ क्या आरोप लगाया था परिवार वालों ने? 1-4 साल की बच्ची के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि जो मृतक हैं उन्होंने बच्ची के साथ रेप किया है। जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर को मृतक बिना कुछ बताए घर से अपने भाई के घर बेटे के पास दिल्ली चला गया, जहां 4 अक्टूबर को उसने फांसी लगाकर जान दे दी। बहरहाल मृतक की पत्नी ने पुलिस को शिकायत देकर 4 लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। एएसपी के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम भी खोल दिया। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब के सिटी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।